और इसी के साथ देखिए एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। पुतिन की सेना का छठा जनरल मारा गया है, ये अब तक का ताजा अपडेट है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का ये बड़ा दावा माना जा रहा है और युद्ध में अब तक रूस के 14,700 सैनिक मारे गए हैं। युद्ध में यूक्रेन का मारियोपोल शहर भी तबाह हो चुका है, करीब 2400 लोग यहाँ पर मारे गए और लगातार जो रूसी सैनिक हैं राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनी सेना भी बेहद मजबूत स्थिति में है और उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, 2400 लोग इस युद्ध में मारे गए हैं मारियोपोल शहर में। दरअसल देखिए ये जो धमाका हुआ, पूरा तबाही का मंजर हर ओर देखने को मिला। पगला गया पुतिन, बदला लेगा चुन चुन, छठा जनरल खल्लास अब महाविनाश। रूस के तानाशाह पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन 15 दिन भी उसके सामने टिक पाएगा, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजाल से लेकर धुआंधार रॉकेट अटैक के बावजूद यूक्रेन जंग में अब तक पुतिन के हाथ न तो जेलेंस्की लगा है और न ही कीव पर रूसी सेना कब्जा कर पाई है। अलबत्ता रूस को इस जंग में उम्मीद से ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के हवाले से दावा किया गया है कि 26 दिन की जंग में रूस के 6 जनरल मारे जा चुके हैं, पुतिन की सेना के 14,700 सैनिक शहीद हुए हैं, रूस के 1487 बख्तरबंद वाहन, 118 हेलीकॉप्टर, 96 एयरक्राफ्ट और 476 टैंक तबाह हो चुके हैं। इससे सनकी पुतिन का भेजा खराब हो गया है। पुतिन ने अब अपने लड़ाकों को सीधा आदेश दिया है कि मारियोपोल में जैसी तबाही रूसी सेना ने मचाई है उससे ज्यादा बर्बादी वो कीव में देखना चाहता है। बर्बादी का बटन ऑन, चलेगा एटम बम, भस्म होगा यूक्रेन, खात्मे का काउंटडाउन। यूक्रेन और रूस के बीच पांचवें दौर की वार्ता में भी अगर जेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें नहीं मानी तो फिर परमाणु बटन दबाकर पुतिन हमेशा हमेशा के लिए यूक्रेन का विनाश कर देगा। इसके लिए पुतिन ने पहले से ही रूस में न्यूक्लियर ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।